सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले को पूरा एक साल इस महीने 14 जून 2021 को हो जाएगा। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बीते एक साल से इंसाफ की गुहार लगा रहा है और इंतजार भी कर रहा है। इंतजार की भी एक लिमिट होती है और अब इंतजार का जो वक्त है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हर कोई जानना चाहता है सीबीआई आखिर इस मामले पर कर क्या रही है, वो जांच कर भी रही है या फिर सिर्फ वक्त का इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया और मन में कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। ये सवाल क्या है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह को लेकर, इस पर करेंगे खुलासा, लेकिन यहाँ नहीं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, जिन्हें लेकर आ रही है सबसे बड़ी खबर सामने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले को पूरा एक साल का वक्त बीत चुका है। बीते साल 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत के निधन का ये केस लगातार मिस्ट्री बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच 3 एजेंसियां कर रही है, सीबीआई, एनसीबी और ईडी। कई जांच एजेंसियों की तहकीकात इस मामले पर चल रही है, जहां पर एनसीबी की तरफ से तो केस काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन सीबीआई की तरफ से सुशांत मामले पर केस कहां पहुंचा है या किस एंगल से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के निधन का ये राज सामने नहीं आ रहा और ऐसे में अब इस निधन के रहस्य पर बनी फिल्म न्याय द जस्टिस पर और फिल्मों पर उठ रहे हैं सवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है सुशांत सिंह राजपूत के मिस्टीरियस केस पर, जहां पर इस कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने इन फिल्मों पर बैन होने के साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से प्रेरित दो फिल्में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहली फिल्म न्याय द जस्टिस और दूसरी फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बनी हुई है, जहां पर स्टार वॉज लॉस्ट। पहली फिल्म 11 जून को रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज को रोकने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि उनके बेटे का नाम या उसकी पसंद को इस तरीके से फिल्मों में इस्तेमाल करना रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स इस सुशांत सिंह राजपूत के इस केस का फायदा उठा रहे हैं और ऐसी वेब सीरीज, किताबें और इंटरव्यू टेलीकास्ट कर रहे हैं जिनकी मदद से उन्हें तो पैसे में मुजाफा और फायदा मिल रहा है, लेकिन मेरे बेटे की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि उन्हें अंदेशा है कि इस तरह की फिल्में, वेब सीरीज और इंटरव्यूज सुशांत सिंह राजपूत की और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन जहां पर उन्होंने ये बात साफ कह दी है, तो वही खबर अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अगर ये फिल्म रिलीज होती है, जो कि न्याय द जस्टिस है और स्टार वॉर्स लॉस्ट जैसी जो फिल्में हैं, अगर ये फिल्म्स रिलीज होती है तो मे भी शायद लोगों का ये मानना है कि इन फिल्म्स के जरिए उन लोगों के असली चेहरे सामने आ सकते हैं जिन लोगों ने सुशांत के खिलाफ साजिश रची हो, जिसमें हर दिन का वो सच सामने आ जाए कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर कितने दर्द या तकलीफ में थे, जिन्होंने अपने इस दर्द को किस तरह से सहा है। 8 जून के बाद से 14 जून तक क्या कुछ हुआ सुशांत के साथ, किसने किस तरीके से सुशांत को ट्रीट किया, सुशांत डिप्रेशन में क्यों गया, सुशांत को ड्रग्स की आदत कैसे लगी, सुशांत को ड्रग्स कौन देता था, ये तमाम सच इन फिल्म्स के जरिए सामने आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर भी
कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत के बाद सुशांत के परिवार और उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई भी परिवार या कोई पिता इस तरीके की ना तो मांग करेगा ना ही डिमांड। उसे सिर्फ एक ही डिमांड होगी उसकी कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले और जो उसके आरोपी हैं उन्हें सजा मिले। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को रोकने के साथ साथ ये खबर भी लिखी जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 2 करोड़ रुपए का मुआवजा फिल्म मेकर से मांगा है अगर वो फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं तो। बता दें कि इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। साफ तौर पर ये बात लगातार सामने नजर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए जिस तरीका से परिवार और फैंस इंतजार कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, तो इस तरीके की खबर सामने लाना वाकई काफ़ी ज़्यादा गलत है। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता कभी भी 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका खुद का फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इस तरीके की कोई गलत डिमांड करेंगे। उन्हें अगर चाहिए और डिमांड अगर वो करेंगे कोर्ट से या किसी से भी, तो वो अपने बेटे के इंसाफ के लिए करेंगे, ना कि पैसों के लिए। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। उनका बेटा अपने पिता के लिए इतनी ज़्यादा संपत्ति छोड़ गया है कि वो उम्र भर बैठकर उस संपत्ति से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठता कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता इस तरह के मुआवजे की मांग उन फिल्म मेकर से करेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म्स बना रहे हैं। तो इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल कर लोग अब सुशांत के बाद सुशांत के पिता और उसके परिवार की भी छवि खराब करना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि परिवार को भी कोई मतलब नहीं है सुशांत के इंसाफ से, सुशांत के परिवार को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के आर्टिकल्स सोशल मीडिया पर देकर, जो कि वाकई बेहद ही गलत और शर्मनाक है। जिसने भी आर्टिकल लिखा है या जिसने भी इस तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश की है, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और सुशांत का परिवार इस मामले पर बोलता हुआ सामने नजर आए। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह पर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जिस तरह से फिल्मों को बैन करने की रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वही फैंस का मानना ये है कि क्या पता इस फिल्म के जरिए वो सच सामने आ जाए या वो साजिश सामने आ जाए जिस साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत के निधन का खेल रचा गया था। लोगों को उम्मीद है फिल्मों से कि शायद हो सकता है कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत पर बनाई गई है और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े वो सच भी इसमें दिखाए जाएंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पहले हुए थे। अब उसमें ये बात भी सामने आ सकती है कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे या रिया ने ड्रग्स की आदत लगवाई थी, या फिर उसमें यह सच भी सामने आ सकता है कि अर्जुन को रिया सुशांत के बीच जो झगड़ा हुआ था उसकी असली वजह क्या थी, या फिर उसमें वो सच भी सामने आ सकता है कि आखिर 13 जून की रात वाकई सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी या निधन की साजिश रची गई थी। ये सारे सच आ सकते हैं सामने इन फिल्म्स के जरिए, लेकिन फिल्मों पर रोक लगाना एक बहुत ही बड़ी गलती है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है, जिसका खुलासा हमने किया हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।